सो गाइज़ यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। सो गाइज इस वीडियो में आपको इसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका प्रीसेट भी डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ। और गाइज प्रीसेट का पासवर्ड आपको गाइज आई बटन पे मिलेगा, इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज आप सबको लाइटरूम एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना है, उसके बाद ऑल फोटोज़ पे जाना है और अपने फ़ोटो को ओपन कर लेना है, ठीक है गाइज। ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, लाइट्स पे आ जाना है, ठीक है गाइज। आप बिफोर आफ्टर देख ही चुके हो, इसका प्रीसेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर देना और वीडियो को लाइक कर देना गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। प्रीसेट भी अच्छा लगा हो तो कॉन्ट्रास्ट को आप लोग को इनक्रीज़ करना है। अगर आपका फ़ोटो पे ओवर एक्सपोजर है तो आप एक्सपोजर को कम कर सकते हो, अगर एक्सपोजर कम है तो आप एक्सपोजर को बढ़ा भी सकते हो। मेरा में ज़्यादा है तो मैं कम कर देता हूँ -10, ठीक है। हाईलाइट्स को कम करेंगे -56 और शेडोज़ को भी थोड़ा कम करेंगे -21 के आसपास, और ब्लैक्स को 58, वाइट्स को और ब्लैक्स को गाइस। उसके बाद सब स्टूप पे चले जाना, ठीक है। और ये आप लोग को ब्लू कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कैप करेंगे, मैं ब्लू टोन रखूँगा इसलिए आप लोग को टैप टू टैप बढ़ाना है। डन है। इसके बाद आ जाना है वाइट्स पे, ठीक है। नीचे से एक लेंगे ऐसे करके वाइट्स, इसको ऐसे नीचे रख कर देंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद आप लोग को डन कर देना है, और उसके बाद आ जाना है नीचे, टेम्परेचर माइनस करेंगे, टिंट -2, टेम्परेचर -1, वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है 56, सैचुरेशन को कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाना है कलर, से बढ़ा लेना काफ़ी डार्क है, और इसको भी मैं माइनस पे टाइप करूँगा 60, थोड़ा सेचुरेशन बढ़ा लेता हूँ, ठीक है भाई। उसके बाद येलो पे आएंगे, येलो का सेचुरेशन कम करना है, ब्लू कम करना है, ठीक है, और सेचुरेशन मेंशन करना है, सॉरी गाइस। उसके बाद ग्रीन पे आ जाना, उसका ब्लू कम कर देना है पूरा माइनस के टाइप का, थोड़ा ल्यूमिनेंस कम कर देना है 14 के आसपास। इसके बाद इसका सेचुरेशन बढ़ा देते हैं थोड़ा, और ब्लू का बढ़ा देना है आप लोग को, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ब्लू करना था, इसीलिए डार्क करना है, इसीलिए मैं ब्लू का बढ़ा देता हूँ। फेस का थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और बाकी लास्ट के कलर्स का सेचुरेशन आप लोग को माइनस कर देना है, ठीक है, सबका, और डन कर देते हैं। इसके बाद आप लोग को चले जाना है स्प्लिट टोन पर, ठीक है, और शेडोज़ का कलर आप लोग को ब्लू सिलेक्ट करना है, ऐसे करके डाउन कर देना है, ठीक है। और ल्यूमिनेंस आप लोग को ऐसे कम करना है, कितना 43 बैलेंस कम। इसके बाद जाना है हाईलाइट्स पे, और इस पर ऑरेंज कलर के आसपास सिलेक्ट रखेंगे और डन कर देंगे, ठीक है गाइस। इतना काफ़ी हो चुका है फोटो, और लास्ट आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, टेक्सचर आप लोग को फ़ोटो का कम करना है, थोड़ा ब्लरी टाइप का आ जाए, और पिक्सल फटे नहीं, इसीलिए मैं टेक्सचर कम करूँगा, और रेज इंक्रीज करना है ताकि डार्क फोटो हो जाए। 49 आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है गाइस, और नॉइस रिडक्शन आप लोग को बढ़ा लेना है फोटो का, तो साथ में थोड़ा बढ़ा लेंगे, देख सकते हैं फोटो।
उसके बाद आप लोग को क्या करना है, प्रीसेट को डाउनलोड करना है और कॉपी सेटिंग करना है और अपनी फ़ोटो के पे पेस्ट कर देना है गाइस। सिंपली बस पेस्ट सेटिंग, आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। मैं और फ़ोटो पे पेस्ट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना गाइस। मैं ऐसे ही डेली प्रीसेट लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे कहीं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय।